My name is Jalinder sir और आज का अपना टॉपिक है एक्सरसाइज 3.4 का 3.5 का फोर्थ क्वेश्चन. देखो क्या है उसका फर्स्ट. फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स. सॉल्व इट इफ एग्जिस्ट एंड सॉल्व बाय एनी अल्जेब्रिक मेथड. तो आपको कौन सी भी यूज करने हैं जो आपको सुटेबल है. आइदर फर्स्ट हमने देखी थी सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड हमने देखी थी इलिमिनेशन मेथड, थर्ड हमने देखी थी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सॉल्व इट बाय सुटेबल अल्जेब्रिक मेथड. तो मेंशन नहीं है विच ऑफ द मेथड आपको क्या करनी है यूज करनी है. तो अकॉर्डिंग आप कौन सी भी क्या कर सकते हो यूज कर सकते हो. चलो लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम. तो देखो क्या है प्रॉब्लम. अ पार्ट ऑफ मंथली होस्टेल चार्जेस इज फिक्स एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टू टेक फूड इन द मेस. देखो गिवन मेस है जिसका होस्टेल मंथली चार्ज फिक्स है एंड फिक्स चार्ज देना होगा. और दूसरा क्या है रिमेनिंग जो चार्ज है डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर होगा नंबर ऑफ डेज इन द फूड टेकन इन द मेस. तो देखो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें कुछ गिवन नहीं है. तो देखो अब स्टार्ट हुआ प्रॉब्लम. व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज शी हैज टू पे ₹1000 एज अ होस्टेल चार्जेस. वेयर एज स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज पेज एज ₹1180. तो देखो स्टूडेंट ए जिसको कितने पे किए उसने ₹1000 कितने दिनों के लिए 20 दिनों के लिए. और दूसरा स्टूडेंट बी है जिसने कितने पे किए 1180 फॉर 26 डेज. फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे. तो चलो लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम. तो हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. तो उन्होंने कहा है फाइंड द फिक्स चार्जेस. तो लेट फिक्स चार्जेस और फिक्स चार्ज इज एक्स एंड सेकंड उन्होंने कहा कॉस्ट ऑफ फूड. तो कॉस्ट ऑफ फूड पर डे हम कंसीडर करेंगे कितना वा. तो देखो फर्स्ट स्टूडेंट ए कंडीशन फर्स्ट स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज. तो फिक्स चार्ज तो दोनों का ही सेम होगा एक्स प्लस फूड कितने दिनों के लिए 20 डेज. तो टोटल कितना हुआ ₹1000 मार्क एज अ इक्वेशन फर्स्ट. सॉल्व द सेकंड कंडीशन वेयर एज कहां पे गया स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज मीन्स एक फिक्स चार्ज है एक्स और फूड कितने दिन लिया 26 वाई इज इक्वल टू टोटल अमाउंट पेड कितना है 1180. तो लेट सॉल्व दी इज दीज टू इक्वेशन. जो आपको कौन सी मेथड है उसे आप सॉल्व कर सकते हो. तो अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज कर सकते हो आप इलिमिनेशन यूज कर सकते हो आप सब्स्टिट्यूशन यूज करते हो. तो मैं सॉल्व करूंगा बाय इलिमिनेशन मेथड. तो मैं लिख देता हूं बाय इलिमिनेशन मेथड. तो देखो फर्स्ट इक्वेशन था एक्स प्लस 20 वाई इज इक्वल टू 1000 एंड सेकंड इक्वेशन था एक्स प्लस 26 वाई इज इक्वल टू 1180. तो बाय सब्सट्रैक्शन एक्स एक्स गेट कैंसल. तो देखो 20 वाई माइनस 26 वाई बिकम्स माइनस 6 वाई. तो 1000 माइनस 1180 तो आएगा माइनस 180. तो y इज इक्वल टू माइनस 180 डिवाइडेड बाय माइनस 6 माइनस माइनस कैंसल 6 3 18. तो y मिल जाएगा हमें ₹30. फूड पर डे का चार्ज कितना है ₹30. पुट इन एनी इक्वेशन. तो मैं पुट करता हूं पुट इन इक्वेशन फर्स्ट. तो क्या आएगा x प्लस 20 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 30 इज इक्वल टू कितने पे किए उन्होंने 1000. तो आपको करना x प्लस ये 2 3 6 एंड 100 इज इक्वल टू 1000. तो देखो प्लस 600 वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस. तो x इज इक्वल टू 1000 माइनस 600. तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 400.
charge of the hostel is 400 rupees and the charges of food per day is 30 rupees. Getting? Let's solve the second question. Yeah, second question. A fraction becomes 1 by 3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1 by 4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. तो देखो आपको फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है. तो देखो फ्रैक्शन बन जाता है कितना 1 by 3 वे अगर आपने न्यूमरेटर में 1 ऐड किया एंड फ्रैक्शन बन जाता है 1 by 4 वे आपने 8 ऐड किया किसमें डिनोमिनेटर में. चलो लेट्स सॉल्व दी गिवन प्रॉब्लम. तो देखो स्टार्ट सॉल्यूशन. तो हम क्या करेंगे लेट न्यूमरेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज x एंड डिनोमिनेटर में कंसीडर करता हूं क्या वा. तो फ्रैक्शन बिकम्स तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा फ्रैक्शन आएगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मींस x अपॉन y. ये हमने कंसीडर किया. तो देखो फर्स्ट कॉमन कंडीशन फ्रैक्शन बिकम्स 1 by 3 when 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर. तो अगर आपने न्यूमरेटर में से 1 सब्सट्रैक्ट किया तो फ्रैक्शन कितना बन जाएगा 1 by 3. ये हो गई फर्स्ट कंडीशन. सेकंड इट बिकम्स 1 by 4 when 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर. तो अगर आप न्यूमरेटर में कुछ चेंज नहीं है अगर मैंने डिनोमिनेटर में ऐड किया 8 तो ये बन जाएगा 1 by 4. तो आप इससे दो इक्वेशन क्या हो सकते हैं बन सकते हैं. तो 3 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 into x minus 1 is equals to y into 1 तो y तो ये आ जाएगा 3x minus 3 is equals to y. तो 3x minus y plus 3 उधर जाके minus 3 उधर जाके plus 3 mark as a equation first. Next ये 4 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 4x ये उधर जाके y plus 8. तो next step 4x minus y is equal to 8 mark as a equation 2. तो कौन सी मेथड सिंपल है तो by elimination method से ही सॉल्व करेंगे हम by elimination method. तो देख यहाँ पे 3x minus y is equals to 3 यहाँ पे 4x minus y is equals to 8. तो subtraction 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 तो ये क्या हो जाएगा cancel. 3x minus 4x becomes minus x 3 minus 8 minus 5 तो minus minus cancel answer मिल गया x is equals to 5. चलो put in any equation तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ put in equation first. तो 3 into x की वैल्यू कितनी है 5 minus y is equals to 3. तो 3 5 जब बन जाएगा 15 minus y is equals to 3. next step minus y is equals to 3 minus 15 next step minus y ये बन जाएगा minus 12 ये cancel y is equals to 12 x मिल गया हमें 5 y मिल गया 12. तो आप आंसर में लिखोगे given fraction x upon y is कितना 5 upon